नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में। आज दिनांक 14 जून 2023 और हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स के 10 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं विद डिटेल्स, ताकि आपको उस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। आज के सवाल कुछ इस प्रकार होंगे, जैसे कि सभी ICC टाइटल से जीतने वाली दुनिया की पहली टीम से लेकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल के उद्घाटन तक। तो चलिए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर को एक एक करके, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामलों में पहले स्थान पर पहुंच गया है? इसका उत्तर ऑप्शन बी गुजरात राज्य। प्रश्न दो है, कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तैनात करेगा? इसका उत्तर ऑप्शन डी रसिया। प्रश्न तीन, इंडोनेशिया के किस शहर में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है? इसका उत्तर ऑप्शन ए जकार्ता में। आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न चार है, ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? इसका उत्तर ऑप्शन डी पेन जेंडोग ने। आप इनका तस्वीर राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। प्रश्न पाँच है, 14 जून 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन सी विश्व रक्तदाता दिवस। प्रश्न छह है, सभी ICC टाइटल से जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बनी है? इसका उत्तर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया देश। आप इस रिपोर्ट के बारे में इत्यादि जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न सात है, कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? इसका उत्तर ऑप्शन बी इजराइल देश। आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। प्रश्न आठ, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल खोली है? इसका उत्तर ऑप्शन डी चीन देश ने। प्रश्न नौ है, किसने हाल ही में फ्रेंच ओपन का फाइनल जीता है? इसका उत्तर ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच ने। आप इनका तस्वीर राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, दसवें प्रश्न को बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। तो बढ़ते हैं दसवें प्रश्न की ओर, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? इसका उत्तर ऑप्शन डी मेघालय राज्य सरकार ने। आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं और आप उनसे इन सभी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू एंड बाय।